सो हे गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू द स्टाइलिश फॉर यू यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस नए वीडियो में मैं बताऊंगा कि पिकशॉट एप्लीकेशन के मदद से पिंजरा कॉन्सेप्ट फोटो एडिटिंग यानी कि कुछ इस तरह का एडिटिंग करते हैं। तो इस तरह का फोटो एडिटिंग करने में हम जो PNG एंड बैकग्राउंड के यूज़ किए हैं, इन सभी का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पिकशॉट एप्लीकेशन में अपना बैकग्राउंड को ओपन कर लिए हैं। ये बैकग्राउंड का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें करेंगे ओपन और पिकशॉट एप्लीकेशन में ओपन करने के बाद आपको यहां मिलेगा ऐड फोटो का ऑप्शन। इस ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहां से कर लेंगे एक ईगल का PNG को ऐड। ओके, तो ये ईगल का PNG को ऐड करने के बाद इसे करेंगे जूम और इसे जूम करने के बाद इसे लाएंगे ऊपर और ऊपर लाने के बाद यहां पर कर देंगे ऐड। और यहां पर ऐड कर देने के बाद यहाँ से बिना डन किए हुए आपको यहाँ मिलेगा एक प्लस का आइकन। इस प्लस वाले आइकन पर कीजिएगा क्लिक और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ मिलेगा ऐड फोटो का ऑप्शन। इस ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर कीजिएगा क्लिक और इस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ से लाएंगे एक पिंजरा का PNG। ओके, तो ये पिंजरा का PNG को लाने के बाद इसे करेंगे जूम और इसे जूम करने के बाद इसे कर देंगे थोड़ा सा बड़ा साइज में। और इसका साइज बड़ा कर देने के बाद इसे इसका पैर के सामने ऐसे कर देंगे ऐड, ताकि ऐसे लगे कि ये पिंजरे को अपने पैर से पकड़ रखा है। उसके बाद इस पिंजरे को इसके पैर में कर देंगे अच्छे से ऐड। और ऐड करने के बाद अगर इसका साइज छोटा या बड़ा दिखे तो आप इससे बढ़ा या घटा सकते हो, इसीलिए हमने इसे यहाँ से डन नहीं किए हैं। उसके बाद यहाँ से फिर बिना डन किए हुए यहाँ से जाएंगे हम प्लस वाले आइकन पर। और प्लस वाले आइकन पर जाने के बाद आपको मिलेगा यहाँ से ऐड फोटो का ऑप्शन। इस ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से कर लेंगे अपना मॉडल को ऐड। ओके, तो ये मॉडल को लाने के बाद आप देख रहे हैं कि इसका तो बैकग्राउंड पहले से इरेज है। तो अगर आपको फुल HD में बैकग्राउंड को इरेज नहीं करने आता है तो हमने इस पर पहले वीडियो बना रखा है, इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर इसे देख सकते हैं। उसके बाद ये मॉडल को लाने के बाद इस मॉडल को यहां अपने पिंजरे के बीच वाले हिस्से पर कर देंगे ऐड। और बीच वाले हिस्से पर ऐड कर देने के बाद आपको यहाँ मिलेगा एक इरेजर टूल के नीचे एक ऑप्शन, इस पर कीजिएगा क्लिक। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ मिलेगा दो नंबर पर मूव डाउन का ऑप्शन, इस पर करेंगे क्लिक। और इस पर क्लिक करते ही ये हो जाएगा हमारा पिंजरे के अंदर। और पिंजरे के अंदर हो जाने के बाद यहाँ से कर देंगे राइट पर क्लिक। और राइट पर क्लिक करते ही आपको यहाँ मिलेगा ऐड फोटो का ऑप्शन। इस ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से कर लेंगे बर्ड का PNG को ऐड। ओके, तो ये बर्ड का PNG को लाने के बाद इसे ऐसे कर देंगे यहाँ पर ऐड। और हाँ गाइस, इस फोटो एडिटिंग करने में हम जो PNG एंड बैकग्राउंड के यूज़ किए हैं, इन सभी का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये बर्ड का PNG को यहां पर अच्छे से ऐड कर देने के बाद आपको ऊपर मिलेगा राइट का ऑप्शन। इस राइट वाले ऑप्शन पर कर दीजिएगा क्लिक। और इस पर क्लिक करने के बाद अब हमारा मॉडल बिल्कुल भी तैयार हो गया है। इसमें जो PNG को ऐड करना था वो पूरा हो गया है। इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे ड्रॉ में। और ड्रॉ में जाने के बाद इस फोटो को करेंगे सेव। और सेव करने के बाद इसे करेंगे एडिटिंग यानी कि रिटच लाइटरूम एप्लीकेशन में। उसके बाद यहाँ आने के बाद यहाँ मिलेगा आपको 3 डॉट का ऑप्शन। इस 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा सेव इमेज का ऑप्शन। इस सेव इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ये फोटो हो जाएगा हमारा सेव। और इसके बाद इसे ओपन करेंगे लाइटरूम एप्लीकेशन में। दोस्तों अभी हम जो फोटो को पिकशॉट एप्लीकेशन में किए हैं एडिट, उस फोटो को कर लिए हैं लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन। और इसमें ओपन करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे बैक। और बैक जाने के बाद आपको एक देंगे प्रीसेट। इस प्रीसेट का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर इसे सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये प्रीसेट को लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन करने के बाद आपको ऊपर मिलेगा यहां एक 3 डॉट का ऑप्शन। इस 3 डॉट वाले ऑप्शन पर करेंगे क्लिक। और इस पर क्लिक करने के बाद जाएंगे ऊपर। और ऊपर जाने के बाद आपको एक मिलेगा यहां एक कॉपी सेटिंग का ऑप्शन। इस कॉपी सेटिंग वाले ऑप्शन पर करेंगे क्लिक। और इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो जो पहले से टिक लगा रहेगा उसी को टिक रखे हुए आपको यहाँ मिलेगा एक राइट का ऑप्शन। इस राइट वाले ऑप्शन पर कर देंगे क्लिक। तो राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही हमारा इसका जो पूरा सेटिंग हो जाएगा कॉपी। और कॉपी हो जाने के बाद यहाँ से जाएंगे बैक। और बैक जाने के बाद अभी हम जो फोटो को पिकशॉट एप्लीकेशन में किए हैं एडिट, उस फोटो को इसमें करेंगे ओपन। और ओपन करने के बाद हम जाएंगे वहीं से फिर से 3 डॉट वाले। और 3 डॉट वाले ऑप्शन में आने के बाद आप इससे पहले बार हमने किए थे यहाँ से कॉपी सेटिंग, तो अब की बार हम यहाँ से करेंगे पेस्ट सेटिंग, ताकि हम जो सेटिंग को किए हैं कॉपी वो पूरा हो जाए इस पर पेस्ट। तो यहाँ पर पेस्ट सेटिंग पर क्लिक करते ही हमारा फोटो बहुत अच्छे एडिट हो जाएगा। उसके बाद इस फोटो को करेंगे फुल HD में सेव। तो यहाँ से जाएंगे हम शेयर वाले आइकन पर। और शेयर वाले आइकन पर जाने के बाद आपको यहाँ मिलेगा एक सेव टू डिवाइस का ऑप्शन। इस सेव टू डिवाइस वाले ऑप्शन पर करेंगे क्लिक। और इस पर क्लिक करने के बाद हमारा फोटो सेव हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आज का ये वाला वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा।
और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपका दोस्त भी ऐसा फोटो एडिटिंग करके सोशल मीडिया पर अपलोड करके बहुत सारे लाइक बटोर सके। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का न्यू फोटो एडिटिंग आप तक पहुँचता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू दोस्तों।